सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने लास्ट ब्लॉग में तो देखा होगा इफ्तार के आइटम इससे पहले वाले। अब ये वाले ब्लॉग में आपको मैं जो मोहम्मद अली रोड के डेजर्ट आइटम से हिडन स्पॉट से वो आपको बताऊंगा कि आप सब लोग तो मालपुआ खाते ही है, वो तो खाएंगे, मगर उसके बाद और क्या चीजें मोहम्मद अली रोड पे फेमस है वो मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा। और तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग मोहम्मद अली रोड की कुछ फेमस और हिडन डेजर्ट आइटम ट्राई करेंगे। तो मोहम्मद अली रोड डेजर्ट के लिए तो जन्नत है, यहाँ डेजर्ट में बहुत डिफरेंट आइटम्स मिलते हैं। तो चलिए कुछ डेजर्ट आइटम से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। तो सबसे पहले मोहम्मद अली रोड की शान मालपुए की बात करते हैं। तो मालपुआ बहुत डिफरेंट टाइप्स में आता है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, सिंगल एग, डबल एग और मालपुआ विथ रबड़ी। मेरा हाईली रिकमेंड है कि आप मालपुआ विथ रबड़ी ट्राई करना, ये रबड़ी बहुत ही टेस्टी होती है, अगर मालपुए के साथ खाओ तो एक नंबर लगती है। कोई बात नहीं, मैं डुबा के खाना होता है। डायरेक्ट नहीं खाना? नहीं, डायरेक्ट कैसे खाएगा तू? इस आदमी को खाने नहीं आ रहा मालपुआ। बॉस तुम इसमें एक्सपर्ट है, इसकी एक्सपर्टीज आए है इसके अंदर। तो नेक्स्ट आइटम जो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए वो है मावा जलेबी विथ रबड़ी। तो गरम गरम जलेबी और ठंडी ठंडी रबड़ी के साथ तो एकदम लाजवाब लगता है। तो नेक्स्ट आइटम जो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए वो है ये सालन। तो ये पूरा राइस केक में है और उसके ऊपर जो मलाई है जो बहुत ही मस्त और टेस्टी लगती है। तो नेक्स्ट डेजर्ट आइटम है ये फिरनी, पूरी मावे में बनी हुई और टेस्टी, एक खाओ तो आपका मन ही ना भरे। ये भी मस्त ट्राई आइटम है और बहुत सारे आइटम्स हैं जो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, जैसे कि शाही टुकड़ा, गुलाब जामुन और नूरानी मिल सेंटर से मसाला दूध। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि मोहम्मद अली रोड डेजर्ट के लिए तो जन्नत है। और एक एडवाइस है कि आप लोग कभी भी जाओ तो कुछ कैश जरूर कैरी करना, क्योंकि कुछ वेंडर्स है जो ऑनलाइन ट्रांसफर एक्सेप्ट नहीं करते। अभी ओवरऑल रिव्यू पूछते हैं कौस्तुभ और विपिन से कि उन लोगों को कैसा लगा करके आज ये डेजर्ट वाला और इफ्तार वाला ब्लॉग, तो कैसा लगा कौस्तुभ? मेरा तो पेट भर गया भाई, कि मेरे को ज्यादा बोलने नहीं हो रहा। बेस्ट पार्ट क्या लगा? मालपुआ। इसको दो साल से सिर्फ मालपुआ अच्छा लग रहा है, इस साल भी इससे बहुत मालपुआ खाया। अभी विपिन बोलेगा कि उसको क्या अच्छा लग रहा है। जल्दी है, जल्दी। तो विपिन तुझे क्या लगा? तेरा तो फर्स्ट टाइम था ना, तो तुझे क्या अच्छा लगा दोनों में से? हाँ, डेजर्ट और उसमें से इफ्तारी के समय मुझे तो अपना शाही कबाब रोल एक बहुत अच्छा लगा, जिसमें बहुत सारी वेरायटी के चीज होता है ना, आई थिंक। हाँ, चीज था उसमें, और चीज था, ये सब था। डेजर्ट में बोले तो नहीं, डेजर्ट में बोले तो मालपुआ, ये मैंने फर्स्ट टाइम खाया था मेरे लाइफ में। बट गाइस एक बोलता हूँ, मोहम्मद अली रोड जाना है, आना है, खाना है, तो आप सिर्फ स्टार्टर खा सकते हैं, मेन को स्किप कर सकते हैं। मैं इतना ही बोलता हूँ, स्टार्टर में हालत खराब हो गई, मेन कोर्स में ये क्या करेगा? अभी नेक्स्ट ईयर आएगा ना, तो मैं इसको सिर्फ मेन कोर्स ट्राई कराऊंगा कि मेन कोर्स में कैसा है, मगर अभी स्टार्टर में इसकी हालत खराब हो गई थी। सबसे ज्यादा इसी की हालत खराब हो गई थी स्टार्टर में। मैं एक डिश बोलना चाहता हूँ आपको, मोहम्मद अली रोड में अगर आ रहे हो आप तो हिंदुस्तान होटल में से चिकन कश्मीरी खाना, बहुत सही टेस्ट था वो। और बात है कि अगर स्टार्टर की तो पक्का है यार, नहीं खा सकते आप। हेलो सचिन, चलो। सो गाइस, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अरे लाइट पकड़ो, हाँ थोड़ा इधर लाइट नहीं आ रही है आवाज की ऐसे। तो सो गाइस, आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहां पर जाके इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना, इन सबके भी इंस्टाग्राम आईडी है। फिर मिलते हैं कोई नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय। हम लोग स्टार्ट किए 6:50 की अफ्तारी थी, तो स्टार्ट किए खजूरों पानी पीने तक, तो मेरी तो समझ में मेरा रोजा कर दो, हालत खराब हो गई तो भी मैं था। ये आप लोगों को लगता होगा इतना फूडी है, मगर फेल फूडी है, फेल है। क्यों मालूम है? इधर क्यों मालूम है? ये बंदा 6:50 को हमने स्टार्ट किया, 6:52 को इसकी आंखें ऐसी हो गई थी। और मैं बोला विपिन ये ट्राई किया क्या?
जितिन की एक्सप्रेशन हाँ करता हूँ ना तुरंत तुरंत, तो अब हम लोग समझ गए कैसा होगा। फिर इसने जबरदस्ती तो भी 2 मिनट और निकाला और लास्ट में 6:54 तक इसने अपने हथियार डाल दिए और ये आउट हो गया। ये वो प्लेयर है जो पहले आउट होने के बाद भी बोलता है यार हम लोग काश मैच जीत सकते थे, मगर पूरी मेहनत रह गई है ये बंदा। और ये वो बंदा है ना कि जिससे एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं होती है और लास्ट में आके वो छक्के पे छक्का मार के पूरा खत्म करता है। बोले तो अगर बोले कि रियल फूडी है ना तो भाई इसको जाता है कि भाई इसने इतना इतना मतलब गेम खेला, इसने हर चीज ट्राई की, इसने मोहम्मद अली रोड को पूरा एक्सप्लोर किया, पूरा खाया, टेस्ट जायका सब चीज जो आप बोल सकते हो ना इसने फ्लेवरफुल पूरा खाना इफ्तार खाया है। और मतलब मैंने भी खाया मगर बाद में मेरी भी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी, मगर ये बंदे ने किया माशाल्लाह, अल्लाह और खाने की हिम्मत दे ताकत दे, क्योंकि अभी हमारा डेजर्ट बाकी है और हम दोनों तो एक दूसरे की शक्ल देके जा रहे हैं कि अब डेजर्ट रखने का किधर है, मुझे मालूम हुआ। मगर ये बोला कि मैं तो खत्म कर लूंगा तुम अपना दे तो अभी हम लोग को अभी हिम्मत जुटा, तो हमारे लिए आमीन लिख दो कमेंट्स में कुछ बोलने नहीं, आवाज ही नहीं निकल रही उसकी। मैं एक बोलना चाहता हूँ recently कभी कभी हारना अच्छा रहता है हमेशा जीतने से। अरे कभी कभी ना इतना तो अगर आप लोग सोचो कि हम बॉम्बे आए हैं अपनी कॉलेज से और बजट का तो छोड़ दो, मगर हमने इतना घूम घूम के गली गली कोने कोने से ढूंढ के निकाला है और अगर इतनी सारी नियामत मतलब इतना सारा खाना आपके सामने वो भी इतना अच्छा और आपको खाने का शौक है और फिर जो आप नहीं खा पाते हो तो फिर जान जलती है ना आदमी की, तो वैसे इसकी चली है। चलो बस आज के समाचार करते समय इसकी एक गलती क्या थी बताए, मैं इसको बोल रहा था पानी मत पी मत पी मत पी, फिर भी ये पिए जा रहा था है? और बाद में मेरे को गाली भी दे रहा है। देखा पानी पीने का नतीजा, बोलेगा कुछ गई नो कमेंट।